प्राण नील गाय के हमले में मौत होने पर पीड़ित परिवार को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा। अकेले 525 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचा सफाई, अखिलेश बोले हम उठाएंगे तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा। 2 साल से फरार चल रहे आईपीएस मनीलाल पाटीदार ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। पीटी परीक्षा में पकड़े गए 2 मुन्ना भाई समेत 4 आरोपी, पूछताछ में उगला ये सच। दंपत्ति और 3 बच्चों की हत्या के मामले में 1 को फांसी व 3 को आजीवन कारावास की सजा। होटल में मिलने पहुंची महिला ने किया हंगामा, युवक की ऐसी हरकत न हुई बर्दाश्त। देवता रखने को लेकर भिड़े 2 पक्ष के लोग, जमकर चले धारदार हथियार, 10 लोग घायल। सीएम के मुरादाबाद पहुंचने से चंद घंटे पहले मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी जफर गिरफ्तार। राम के पैरी के घाटों तक पहुंचा सरयू का पानी, दीपोत्सव की तैयारियों पर असर। रेलवे स्टेशन पर उमड़ी छात्रों की भीड़, चलाई गई स्पेशल ट्रेन, जल्द नोट कर ले टाइमिंग। केरल में एयरपोर्ट से 3.4 किलो सोना जब्त, 2 यात्रियों को किया गया गिरफ्तार। राहुल बोले देश में 45 साल में अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, पीएम बताए कहां है नौकरियां। आईआईटी खड़गपुर में छात्रावास में मिला असम के छात्र का शव, सीएम ने जताया शोक। चीन सटे इलाके से 2 भारतीय लापता, खोज में जुटी सेना व पुलिस। बुजुर्ग डॉक्टर से धोखाधड़ी कर अस्पताल पर कर लिया कब्जा, थाने में हुई घटना, 4 पर केस। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से पहले राहुल के पास पहुंचेंगे खड़गे, अब गांधी परिवार के सामने धर्म संकट। टूर्नामेंट से पहले मिले सभी 16 टीमों के कप्तान, रोहित बोले भारत पाक मैच पर बात करने का मतलब नहीं, मैच नहीं आपस में, इस बारे में बात करते हैं भारत पाकिस्तान के खिलाड़ी, रोहित बाबर ने किया खुलासा। बाबर के लिए खास रहा 28वां जन्मदिन, 15 टीमों के कप्तानों के साथ मनाया जश्न। रोहित के फैन ने बनाया आरसीबी का मजाक, तो विराट के फैन ने कर दी हत्या, बैट से सिर फोड़ा।